प्राथमिकता लखनऊ और तमाम जगहों पे भी डेटा सेंटर्स खोलने के लिए, इससे और अवसर प्राप्त होंगे रोजगार के, और ये एक महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। दूसरा पीडब्ल्यूडी विभाग का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और केंद्र सरकार के साथ एक अनुबंध होगा जिसमें भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय और रेल मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में, जिसमें उत्तर प्रदेश में रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास की जो बहुत महत्वपूर्ण समस्या भी है और सेफ्टी के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो करीब 300 ऐसे ओवरब्रिज और अंडरपास हैं जो उत्तर प्रदेश में आज खास प्राथमिकता रखते हैं, जिसकी ट्रैफिक यूनिट वैल्यू 1 लाख से ऊपर है तो उन्हीं को लिया जाता है। वैसे तो 3000 हैं मगर ये योजना इसलिए अच्छी रहती है क्योंकि विभाग और सरकार में जो संसाधनों की कमी रहती है, पूर्ण इसमें योगदान केंद्र सरकार का रहेगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की 10% लागत लगेगी जो पहले भी लगती आई है, जिसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग और जमीन अधिग्रहण वो प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा और जो अप्रोच रोड भी होती है ओवरब्रिज की वो भी सेतु निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा होगी। बाकी पूरा खर्चा केंद्र सरकार से इसमें व्यय किया जाएगा और ये अनुबंध MOU शीघ्र ही साइन कर लिया जाएगा केंद्र सरकार के साथ, ताकि उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ समस्या है, जिससे 300 रेलवे ओवरब्रिज का लक्ष्य रखा गया है कि जल्द से जल्द जहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और सेफ्टी को दृष्टिकोण में रखते हुए ये परियोजना लाई गई है। और तीसरी ये आपकी जो मैं पढ़ देता हूँ उसको, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल हब्स, विमान जो हैं भारत के भी जो रिपेयरिंग और ओवरहॉल के लिए विदेशों में जाना पड़ता है, बहुत खर्चा आता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश को एक मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल का हब बनाया जाएगा और अगले 5 साल में तो 2026 तक 1000 नए एयरक्राफ्ट भी आ जाएंगे, तो उसको दृष्टिकोण में रखते हुए ये पॉलिसी लाई गई है जिसमें सब्सिडी दी जाएगी और अभी शुरुआत हमारी नोएडा से हो रही है जहाँ पर एक हब बनेगा और आगे उत्तर प्रदेश के समस्त जगह पे जहाँ जो इच्छुक होगा उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, जमीन से लेके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तक की सुविधाएं और सब्सिडी, इससे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक इन्वेस्टमेंट का एक डेस्टिनेशन भी बनेगा, आय की स्रोत भी होगी और तमाम जो समस्याएं हैं फॉरेन एक्सचेंज तमाम चीज़ें जो बाहर हम लोगों को अपनी सर्विसिंग करानी पड़ती है जहाज़ों की, उस पर एक समाधान निकलेगा। धन्यवाद। MRO की पॉलिसी के तहत इन्वेस्टर्स पहले तीनों भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के एक योजना चल रही थी ड्रिप इरिगेशन की, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जिसमें माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से ड्रिप सिंचाई के माध्यम से किसानों को अनुदान पर स्प्रिंकलर सिस्टम सिंचाई का सिस्टम एडॉप्ट करने की योजना चल रही थी, उसका इस वित्तीय वर्ष में समाप्ति हो गई थी। अब हम लोगों ने अगले 5 साल के लिए उस योजना को पुनः अंगीकृत करने का काम किया है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों राज्य मिलकर के किसानों को, लघु सीमांत किसान और लघु किसान दोनों किसानों को उनका अनुदान जो राशि थी यथावत रखते हुए अगले 5 साल को वो योजना पुनः लागू रहने से, एक तरफ ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से बहुत कम पानी में ज़्यादा क्षेत्र की सिंचाई होती है, फसलों को उसका पोषक पानी के रूप में पोषक तत्व की ग्रहिता होती है और काफ़ी बड़ा इसके परिणाम 5 साल में अच्छे परिणाम आए। केले तक की खेती जो इस तरह की फसलें थी वो भी उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी उसके क्षेत्रफल में हुई है, तमाम फसलों को नई नई फसलों को लाभ पिछले 5 साल में देखा गया है और इसलिए अगले 5 साल के लिए इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने आज की कैबिनेट में अंगीकृत करने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, चूंकि एनवायरनमेंट के लिए
बहुत आवश्यक है, वनों का क्षेत्र हो, पौधों का क्षेत्रफल बढ़े, उसके लिए हम लोग इस वर्ष 35 करोड़ पौधों को रोपित करने की योजना वन विभाग के माध्यम से करेंगे। और एक इवेंट की तरह हम लोग गांव से लेके गांव पंचायत सदस्य, गांव के प्रधान, गांव के सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, माननीय सांसद, माननीय विधायक, सभी को उसमें सहभागी बनाते हुए इस योजना को लागू करेंगे और विशेष इवेंट के रूप में एक अभियान चलाते हुए 35 करोड़ पौधों का पौधारोपण करेंगे। और न सिर्फ पौधारोपण करेंगे, इस बार हम लोगों की मंशा है कि इसमें पौधे जो लगे वो सर्वाइव करें, वो जिंदा रहें। इसके लिए भी बृहद रूप से हम लोग योजना बनाए और ये कार्यक्रम निश्चित तिथि 5 जुलाई को इस इवेंट को हम लोग करेंगे। पूरे प्रदेश में बृहद इस योजना को 5 जुलाई को वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें सहभागिता हम लोग सारे ही विभागों की रखने का निर्णय लिया गया है। इसमें गांव सभा से लेकर के नगर पंचायतों से लेकर के भारत सरकार के तमाम जो विभाग हैं, चाहे रेलवे हो, अन्य हो, प्रदेश सरकार के जो भी कैंपस हैं, जहां भी वृक्षारोपण हो सकता है उसको रखेंगे। और इसमें स्वयंसेवी संस्थान हैं, गाँव के लोग हैं, गाँव के सदस्य हैं, उनको भी सरोकार इसमें देंगे, उनको भी भागीदारी करेंगे। जी, ये नगर निकाय क्षेत्र में कुछ हमारी गांव सभाओं को नगर निकाय क्षेत्र में सम्मिलित करने का काम किया गया था, उनको भी अब स्वामित्व योजना के तहत उनका सर्वेक्षण करा के आबादी के क्षेत्र जो आए हैं उनका सर्वेक्षण कराएंगे और उनको भी स्वामित्व योजना में शामिल करने का आज निर्णय उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में लिया गया है। प्रदेश के जो अंत्योदय पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न, आयोडाइड नमक, साबुत चना, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, ये निःशुल्क जो वितरण करने का कार्यक्रम मार्च से लेकर जून तक किया गया है, उसके लिए हम लोगों ने 3196.1 करोड़ रुपया का अनुदान व्यय भार आज अनुमोदित किया है, जो पिछले 3 जून तक हम लोग इन लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड स्वयं सेवक जब अपने ड्यूटी से हटके रिफ्रेशर कोर्स में अपने ट्रेनिंग के लिए आते थे तो उनको हम लोग अब तक 260 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से प्रशिक्षण भत्ता उन्हें देते थे, लेकिन वो इसलिए इंटरेस्टेड नहीं होते थे रिफ्रेशर कोर्स पे आने को कि उस दिन का ड्यूटी भत्ता उनका जो 786 रुपया प्रतिदिन का होता था वो ड्रॉप हो जाता था। अब आज की कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि उन्हें यथावत ड्यूटी भत्ता 786 रुपया प्रतिदिन का भी उसी रिफ्रेशर कोर्स के अंदर जितने भी दिन रहेंगे वो हम 786 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनका भुगतान करने का काम होमगार्ड को करेंगे। नहीं, 786 रुपया के हिसाब से मिलेगा। प्रयागराज जनपद के श्रृंगवेरपुर धाम में जब भगवान राम जब गए थे तो वहीं से निषाद राज ने नाव में बिठा कर वहाँ ठहरे थे, उसको फिर नाव गंगा जी में बिठा करके पार किया था, उसको हम बड़े तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। परियोजना पहले स्वीकृत थी लेकिन उसमें कुछ विशिष्ट कार्य और होने थे दीवारों पर, ना काफ़ी डिटेल हम दे देंगे, ये उन विशिष्ट कार्यों के लिए भी आज स्वीकृति 368.1 लाख रुपए की आज स्वीकृति अतिरिक्त रूप से विशिष्ट कार्यों के लिए दी गई है, जिसमें स्टोन क्लियरिंग है, मकराना स्टोन है, ग्रेनाइट कोबल्स हैं, स्टोन वर्क इन कूपिंग है, तमाम जो विशिष्ट कार्य हैं उनके लिए ये उपलब्ध कराया गया है। मैं समझता हूँ कि आज के मेरे आपके सामने आ गए बिंदु थे आपको आपने बताया। नहीं, क्या कौन सा? हाँ, वो प्रेस नोट दे रहे हैं, प्रेस नोट दे रहे हैं, अभी शेयर कर लें। अभी 30 जून वाला था, उसका अप्रूवल हुआ है, आगे जब 30 जून के बाद उसके बाद निर्णय लिया जाए। एक बता दे रहे हैं, विधानमंडल दल के जो सदस्यों के द्वारा पूर्व में एक जो मानक इसका है उसमें यह पहले संशोधन कर दिया गया था कि माननीय विधायक अपने क्षेत्र में कोई द्वार या गेट इस तरह के सार्वजनिक किसी
राष्ट्रीय नेता के नाम पर कि शहीद के नाम पर बनाने को उसी जो मानक से उसको डिलीट कर दिया गया था। पुनः आज के कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि उस विधायक निधि के अंतर्गत यदि कोई माननीय विधायक चाहे अपना MLC हो या MLA हो यदि अपने क्षेत्र में अपनी निधि से कोई द्वार किसी राष्ट्रीय नेता के नाम पर किसी शहीद के नाम पर प्रस्ताव देना चाहता है तो वो स्वीकृत कराया जाएगा। उसके लिए पहले जो व्यवस्था खत्म कर दी गई थी उसमें सारी व्यवस्था ये थी कि उस समय कोई प्रस्ताव आता था तो जिला रिकमेंड करके स्टेट को भेजा, स्टेट से NOC मिलने के बाद ही वो काम हो सकता था, उस बाध्यता को खत्म कर दिया गया। धन्यवाद। पर्यावरण, पानी और सब चीज की खास प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश सरकार की और इसमें भी ध्यान रखा जाएगा।